वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कांति के सिद्धांत के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको दुर्खेम एवं उसके ज्ञानोदय के बारे में बताऊंगी। आपको MSO 01 PG कोर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में मेरे वीडियोस में पूरी तरह से डिटेल्स में नॉलेज मिलेगी। आपको बुक टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को देखते जाइए और अपने MSO PG कोर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होइए। तो चलिए मेरे इस वीडियोस को देखने और लाइक करने के लिए रेडी हो जाइए। आज मैं आपको बताऊंगी 1.5 दुर्खाइम एवं ज्ञानोदय के बारे में। अब हम समाजशास्त्री के रूप में दुर्खाइम 1556 से 1917 की ओर रुख करते हैं, जिसने अपने पूर्वादि कांटे की भूमिका एवं जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया। दुर्खाइम एक समाजवादी थे। वो कांटे के सिद्धांतों पर ही चलते थे और उनके जो विकासवाद के सिद्धांत था उनको आगे बढ़ाया उन्होंने ही, दुर्खाइम ने। कांटे की तुलना में दुर्खाइम का मानना था कि ज्ञानोदय संपूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं था, बल्कि वास्तव में इसे वैज्ञानिक विधि पर जोर देने जैसे कुछ स्थगित पहलुओं का समावेश था। दुर्खाइम के अनुसार ज्ञानोदय पूरी तरह से नकारात्मक नहीं था। हमें सिर्फ साइंटिफिकली विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। दुर्खाइम अराजकता एवं सामाजिक अव्यवस्थता के विरुद्ध थे और उनका अधिकांश कार्य सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित था, जो उनके अनुसार उस समय की जरूरत थी। दुर्खाइम का मेन फोकस जो था सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध था, यानी समाज में जितने भी कुरीतियाँ थे जो समाज को आगे बढ़ने और विकास के रास्ते से भटका रहे थे उनको रोकना था। दुर्खाइम के लेखन विधि किस्म के थे और समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत से उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया था। दुर्खाइम बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट मेथड 1895 में उसने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ये सामाजिक तथ्य ऐसे हैं जो समाज की ओर रुख करेंगे, जो सामाजिक सिद्धांत के विकास में उत्पन्न हुई है। आरंभ में हम सर्वप्रथम फ्रांस में ज्ञानोदय के दौरान विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ज्ञानोदय के दौरान बहुत से नए विचार की पेशकश की गई और मौजूदा विचारों को बदल दिया गया। जब फ्रांस में ज्ञानोदय हुआ, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समाजवाद का या समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले पश्चिमी देश फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। वहीं पर समाज के प्रति जितने भी ज्ञानोदय थे, ज्ञान समाज के प्रति में जानना, उसके बारे में अलग अलग विचार देना, वहीं से यानी फ्रांस से ही शुरू हुआ था। 17वीं शताब्दी का दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक ऐसे प्रेरक कारक थे जिन्होंने फ्रांस के विचारों को, बुद्धिजीवी को प्रभावित किया। 17वीं शताब्दी के दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक दो ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने विचारों को और बुद्धिजीवों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया नए विचारों को देने में। ऐसे विचारों में डकार्त एवं लॉक के नाम उल्लेखनीय है। डकार्त और लॉक भी ऐसे विचारक थे। बाद के विचारकों ने इन विचारों के प्रमुख पद्धतियों का खंडन नहीं किया, बल्कि ऐसे बुनियादी सच्चाई को ढूंढने की चेष्टा की जिससे इनके विचारों को सामाजिक प्रासंगिकता मिले। ऐसा करना बहुत जरूरी था, खासकर यदि खुद समाजशास्त्र को प्रासंगिकता की प्राप्ति हो और समाज के विश्लेषण में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी हो और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना हो और ऐसे बदलाव लाने हो जिससे समाज में सभी भागों को सामाजिक फायदे मिले। हालांकि ज्ञानोदय के उदारवाद के अपने ही कुछ आलोचक थे जिसे प्रति ज्ञानोदय कहते हैं, और यह ज्ञानोदय एवं प्रति ज्ञानोदय के बीच का खेल था जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्र के सभी विचारों एवं सिद्धांतों को संभव बनाया। इसका मतलब ये है कि जो दुर्खाइम का जो ज्ञान था, यो विचारक था, उसे पूरी तरह से खंडित नहीं किया गया। उन्होंने जितने भी विचार थे वो खंडित नहीं किए गए, हालांकि उनको आलोचना करने वाले बहुत से लोग थे।
फिर भी उन्होंने इसके प्रति ध्यान नहीं दिया और अपने विचारों को आगे बढ़ाते गए। आगे हम जानते हैं, देखते हैं इस तरह प्रति ज्ञानोदय विचारधारा के डी बोनार्ड जैसे विचारक मध्य युग की ओर लौटना चाहते थे, जहां उन्हें महसूस होता था कि ज्ञानोदय युग की तुलना में जीवन अधिक सौहार्दपूर्ण है। ऐसे रचनाकार प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध थे और उनका मानना था कि ज्ञानोदय एवं औद्योगिक क्रांति दोनों ऐसी शक्तियाँ थी जिन्होंने शांति, सद्भावना, कानून एवं व्यवस्था का विध्वंस कर दिया है। अन्य शब्दों में डी बोनार्ड ऐसे हर बात के विरुद्ध थे जिसने फ्रांस में पितृसत्ता एवं राजतंत्र को हिलाने की कोशिश की। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस में राजतंत्र था और डी बोनार्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जो जो उदारवादी और विकासवादी सिद्धांतों जिसे जिसने दुर्खाइम और कामते ने दिया उसके विरुद्ध थे। उनका मानना था कि राजतंत्र ही बेहतर है और जब से उदारवादी विचार आए हैं तब से राजतंत्र और समाज में अव्यवस्था लागू हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम 1.3 व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।